झालावाड़ जिले के चोमहिला कस्बे में पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने 4 दिन से सफाई कार्य का बहिष्कार किया हुआ है, जिससे कस्बे में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। वहीं इस मामले में आज ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच, सचिव व सभी वार्ड पंचों की मौजूदगी में कोरम की बैठक बुलाकर सफाई कर्मियों के साथ वार्ता की गई, जो फेल साबित हुई। बैठक में ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच सचिव ने बताया कि अभी खाते में पेमेंट नहीं है, आपको कहीं से व्यवस्था करके 1 माह का पेमेंट दे रहे हैं, बाकी का 1 माह का वेतन आपको दीपावली के बाद दिया जाएगा। परंतु सफाई कर्मियों ने 2 माह का वेतन, बोनस व कपड़े एक साथ लेने की बात कही और बैठक छोड़कर चले गए। पंचायत व सफाई कर्मियों के बीच की जो वार्ता थी, बैठक वो विफल हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि दीपावली जैसे त्योहार के अवसर पर किस प्रकार से ग्राम पंचायत कस्बे की सफाई करवाती है। मांग थी कि हम 2 महीने की तनख्वाह लें और 3,000 बोनस लें और कपड़े लें। हमने उनको समझाए में कहा कि अभी पंचायत के पास पैसा नहीं है, व्यापारियों से सहयोग करके हम 1 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं और 1 महीने की तनख्वाह हम 25 तारीख को और दे देंगे कहीं से भी व्यवस्था करके। उनने हमारी बात को नहीं मानी और वो 3,000 बोनस के लिए अड़े हुए हैं, कपड़े के लिए अड़े हुए हैं और 2 महीने की तनख्वाह लेने के लिए अड़े हुए हैं। और ये वार्तालाप चल ही रहा था और वो ये कहकर चले गए कि आज हम तो 2 महीने की तनख्वाह आज ही लेंगे और बोनस लेंगे उसके बाद।